हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं अपने ब्लॉग में, बहुत दिनों के बाद आप लोगों का। तो आज हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। हमारे जो दानिश भाई है, रूम पार्टनर, उनकी आज है फ्लाइट सऊदी अरबिया हाल से। 4 बजे की उनकी फ्लाइट है, दुबई जाएंगे, दुबई से जाएंगे सीधा दिल्ली। तो लगेज देख सकते हैं आप लोग, तैयार है। निकलेंगे अभी अपनी गाड़ी की तरफ। यार हमारे ड्राइवर साहब, हमारे अल्ताफ चाचा बहुत लेट कर रहे हैं। मैंने एक यहीं बच चुका है, तो वेलकम है अल्ताफ चाचा। कहाँ गए, निकल गए। और हमारे अब्दुल्ला भाई भी तैयार हो चुके हैं। ये हमारे दानिश भाई हैं, हमारे रूम पार्टनर। ये जाएंगे यहाँ से दुबई, दुबई से दिल्ली, दुबई दुबई से दिल्ली। मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे? अरे यार बहुत मिस कर रहे हैं, कर रहे हैं कि सिर्फ एक बैग लेके आ रहा है भाई। लगेज बहुत ही कम है, 30 केजी है और 7 केजी। हम लोग गाड़ियों में बैठ के निकल चुके हैं मॉल के लिए, थोड़ा दोस्त लोग से मुलाकात करेंगे। ये हमारे दानिश भाई जा रहे हैं दिल्ली के लिए, जा रहे हैं भाई दिल्ली के लिए। करो खैर से पहुंचे। है इश्क है गुलाम, कर मुझे सलाम, कर मुझे सलाम, कर मुझे सलाम। चाचा हैं ये हमारे, माशाल्लाह अपने जमाने के बहुत अच्छे शायर रह चुके हैं। चाचा एक्टर होने वाले थे भाई, एक्टर होने वाले थे, एक्टर की जगह एक्टिंग करने आ गए सऊदी अरेबिया। नसीब जहाँ ले जाता है ना इंसान वहीं जाता है। देखो आज चाचा एक्टिंग करने गए थे और आज यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं सऊदी अरब में। हम लोग जाएंगे अभी मॉल में, कुछ दोस्तों से मुलाकात करेंगे, उसके बाद में निकलेंगे सीधा एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हम लोगों के पास। इतना जबरदस्त मौसम देखेंगे, शेयर भी करेंगे बस अगर अच्छा। तो अभी हम आ चुके हैं गेट नंबर 4 अपने मॉल के अंदर। 4 से मार रहे हैं एंट्री। Hello. ये हमारे पब्लिक आ चुकी है। ये बिहार, ये देखो डब्लू भाई, ये है डब्लू भाई। अरे वो तो चश्मा भूल गया, ये हमारे पास है। मुश्किल ना हो तो मतलब आए दे दीजिए। चलो फिर, टाइम नहीं है, सबसे मुलाकात करो, मुलाकात करिए। नसीरा कहाँ है? अभी हम लोग निकल चुके हैं भाई एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि अभी जितने भी लोगों से मुलाकात करनी थी मुलाकात हो चुकी है और मॉल से अब हम निकल चुके हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये है अब्दुल्ला लोथेम, सऊदी अरबिया हाइल। तो अभी हम भाई हाईवे से कट मार के राइट मारे हैं, और अभी ये रास्ता जो जा रहा है सीधा, ये बिल्कुल एयरपोर्ट की तरफ को जाएगा। और ये राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं, ये है पूरा एयरपोर्ट। कितने दिन की छुट्टी है मेरा भाई? चाचा 2 महीने की छुट्टी लगाई, 2 महीने की लगाई है कंपनी। 2 महीने के होते हैं 60 दिन, 60 दिन, लेकिन रिटर्न 55 दिन में आना। 55 दिन में परदेसियों की जिंदगी, ऐसा यहाँ की जिंदगी। वहाँ जाते हैं, अरे जाते हुए लम्हों तरह तरह तरह, अरे ये भी टाइम गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। भाई लोगों को दुआओं में याद रखें, वापस आके फिर मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारी वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपको ऐसी नई नई वीडियो दिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे वसी भाई हैं, इनको सपोर्ट करें। तो ये भाई, ये दुवार पे पहले यहाँ पर लगा हुआ था भाई, फ्लाइट लगी हुई थी। अब यहाँ पर क्या बना रहे हैं, कोई पक्षी का पर बना रहे हैं, कोई पक्षी बना रहे हैं, पता नहीं क्या है। ईगल, ईगल, हाँ हाँ, बोर्ड भी लगा रखी है, प्लेन भी लगा, प्लेन की शक्ल दे रहे हैं। हाँ प्लेन है भाई, हम तो समझे प्लेन नहीं है ये है। मैंने पंख लगा के भाई, यहाँ पर भाई यहाँ से भाई एंट्री करेंगे हम एयरपोर्ट के लिए। ये कैमरा यहाँ से ये सब स्कैन करता है, नीचे की स्कैनिंग। हाँ ये पूरे स्कैन करता है, पूरे के पूरे कैमरे, गाड़ी, आदमी, बैग, हर चीज सब कुछ स्कैन कर लेता है। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही बढ़िया यहाँ की है भाई। सामान उधर से निकला के नहीं इधर आ जाती है, यही है भाई हाइल का एयरपोर्ट, जो निस्मा नाम से है, निस्मा हाइल एयरपोर्ट, हाइल मतार, हाइल मतार। काफी छोटा सा, इतना कुछ बड़ा है। एंटर कर चुके हैं भाई हाइल एयरपोर्ट के अंदर, और हमारे दानिश भाई गए हुए हैं लगेज कराने के लिए। यहाँ पर लगेज हो जाए, इनका बोर्डिंग हो जाए, उसके बाद में सलाम दुआ करके इनको करेंगे भाई हम लोग अंदर, और हम लोग जाएंगे अपने रूम पर। अच्छा अब्दुल्ला भाई हमारे शेड्यूल दिखा रहे हैं कि कितने बजे का कितना शेड्यूल है, देख सकते हैं आप लोग। ये स्क्रीन पे शेड्यूल पूरा चल रहा है, कितने बजे किसकी फ्लाइट है भाई। इनसाइट का पूरा व्यू हाइल एयरपोर्ट का,
तो लगेज तो हो चुका है भाई, अब मिल गया है भाई बोर्डिंग पास। हयाल एयरपोर्ट का देख सकते हैं, ये है भाई पूरी पूरी पार्किंग सामने, ये पूरी पार्किंग है यहाँ की। तो हमारे दानिश भाई का भाई लगेज भी हो चुका है, बोर्डिंग भी मिल चुकी है और वो अंदर हो चुके हैं। और ये यहाँ पर भाई पैकिंग भी हो रही है, कुछ लोगों का सामान ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर भाई दोबारा सामान निकाल के दोबारा पैकिंग होती है। तो जो इसका चार्ज है भाई कीस लगाने के, पन्नी लगाने का पॉलीथीन, 30 रियाल है यहाँ पर एक पर बैग पे। इन भाई का भाई 2 kg ज़्यादा था इसीलिए इनका ये दोबारा पैकिंग करना पड़ा। चलिए चलिए, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं। हाँ तो गर्मी भाई यहाँ पर अब पड़ने लगी है, 43 यहाँ का आज का टेम्परेचर है। नमाज आगे चाचा। ये भाई पार्किंग से बाहर भी लगा चुके हैं, ये पार्किंग आउटसाइड में। अरे भाई एक बार निकल गए इस रास्ते में, अच्छा आगे 4 किलोमीटर जाके राउंड करके फिर 4 किलोमीटर आना। ये सीधा जाना, इसलिए मैं उधर इधर खड़ा नहीं भी देता नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने रूम की तरफ और जाएंगे अब अपने रूम में, क्योंकि 3 बजे ड्यूटी भी है। और उम्मीद करता हूँ कि दानिश भाई हमारे सही सलामत अपने घर पहुँच जाए। दानिश के लिए खड़ा है, आप लोग जरूर दुआ करें। और यहीं पर हम अपने ब्लॉग का करेंगे भाई, ये तेरा इम्तिहान, यहीं पर हम अपने ब्लॉग का करेंगे भाई दाइन। और आप लोग हमारी जरूर जरूर वीडियो वॉच करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए दीजिए आप लोग हमें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो। सबा खैर।